अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। एक काम कीजिए, आप जाइए, हमें दवाइयाँ खानी है, हम दवाई खाकर आते हैं, ठीक है? जल्दी आना। तुम्हारा खेल खत्म राधिका। भगवान, दरवाजा तो बंद हो गया है। अब ये राधिका का भूत है या उसकी नौटंकी, अभी सब पता चल जाएगा। क्योंकि ना तो इस कमरे में कोई खिड़की है और ना ही कोई दूसरा दरवाजा। कमरे से बाहर जाने का एक ही रास्ता है और उस पे मैंने ताला लगा दिया है। और उसकी इकलौती चाबी मेरे पास है। भाइयों को बुलाकर राधिका का पर्दाफाश करने का टाइम। तो बाहर निकलने को और कोई रास्ता ही नहीं है। हे भगवान, अब हम क्या करें? गोलू जी, अब क्या करें? मैं दिव्यम को मैसेज करता हूँ, तुम रानी को संभालो, जाओ। जी। अरे 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 रानी जी, कोक में बच्चा लिए कौन सी रेस दौड़ रही हैं? ऐसे भला कोई माँ ऐसी हालत में भागती है क्या? सॉरी भाभी। मिल लिया आप अपनी लाडली पोती से? कहाँ है वो? आती होगी। राधिका छोटे वाले कमरे में बंद है, इमरजेंसी। अरे सब लोग आए हुए हैं तो एक फैमिली फोटो तो बनता है कि नहीं? और तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग की फोटोज भी हो जाएंगी लटपट सटपट। मैं कमरे से जाके फटाक से एक कैमरा लेके आऊँ। हाँ, लेकर आओ। भैया चलिए चलिए, आओ, कुछ काम है, चलिए ना मेरे साथ प्लीज। अरे बहना, बात क्या है पहले वो तो बता। भैया आप लोग बस मेरे साथ चलिए, मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। इस राधिका के भूत का खेल खत्म करना है। मतलब? अरे आप लोग चलिए तो सही, बस चलिए। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। भैया हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या मतलब? आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए राधिका के भूत की सच्चाई। देख लीजिए। चल। देखा आपने? क्या देखा? कौन है यहाँ पे और किसकी सच्चाई की बात कर रही से तू? अरे भैया ये रात कैसे हो सकता है? मैंने खुद राधिका को अपनी आंखों से अपनी दादी के गले लगते देखा था। इस कमरे में तो कोई और खिड़की दरवाजा भी नहीं है, फिर राधिका अचानक गायब कैसे हो गई? राधिका जरूर यहीं कहीं होगी, मैं ढूंढती हूँ।
ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से राधिका को अपनी दादी के साथ देखा था। बहना, जरूर तने कोई धोखा हुआ होगा। वो राधिका का भूत ही होगा। वो राधिका का भूत नहीं था। बहना। भाई, आपके पीछे क्या पीछे? ये गायब भी हो गया। कोई नहीं, थैंक यू दफन जी, आज आपने बचा लिया। अब पता नहीं आज क्या हो जाता। तुम्हें पता है राधिका, दादाजी जब जिंदा थे ना, तब उन्होंने स्टोर रूम के नीचे ये खुफिया कमरा इसलिए बनवाया था कि कभी भी गलती से भी अगर परिवार पर कभी भी कोई भी मुसीबत आए तो सब लोग यहाँ पे छुप सकते हैं। वक्त के गुजरते सीढ़ियाँ हटा दी और इस स्टोर रूम के नीचे जो कमरा था उसे गेस्ट रूम बना दिया। कभी सोचा नहीं था कि इतनी पुरानी चीज ऐसे काम आएगी। भगवान, अब हम क्या करें? कहीं किसी को कुछ पता ना चल जाए। राधिका, राधिका ऊपर देखो, यहाँ हूं मैं। धर्मजी, आप यहाँ पर? राधिका। हाँ। ये देख रही हो तुम? ये मैजिक पेन है, इससे तुम ना दीवार पे दो तीन एकदम खतरनाक वाले डायलॉग लिख दो। तुम जो भी लिखोगी वो 5 मिनट बाद दिखाई देगा और 1 मिनट के अंदर गायब हो जाएगा अपने आप से, समझी? हाँ। ये जी, राधिका जल्दी जल्दी ऊपर आओ। हाँ। संभाल के। दर्शन जी, रानी और उसके भाई ना भूत के डर से अपने कमरे में गए। हम तब तक जाके पापा से मिल लेते हैं। ठीक है। हे भगवान, लगता है रानी और उसके भाइयों ने कोई भूत देख लिया है। वो तो देखा ही होगा ना सांस जी। अब देवरानी जी के पापा और दादी जी मिलने आए थे तो कोई भी आत्मा अपनों से अंतिम विदाई लेने तो आती है, तो शायद तभी रानी जी और उनके भाई उन्हें देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने कली बिटिया। कली बिटिया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं जा रही हूँ। हाँ जा रही हूँ, तुम भी ध्यान से आना। सास जी, हमें भी डर लग रहा है, हमें भी ले चलिए। सास जी चलिए। बहना, वो नौकरानी ठीक कह रही से।
राधिका का भूत अपने पापा और अपनी दादी से अंतिम विदाई लेने आई होगी, तभी तुमने उसे देख लिया होगा। हाँ। देख कर लगा होगी जिंदा से, पर मैंने उसको खुद गोली मार के परलोक पहुंचाया रे। आप लोग मेरा दिमाग खराब मत करिए, मुझे पूजा करने दीजिए। जब मन जान बन सागर जब खुश रहो बेटा, भोलेनाथ की कृपा है, तुम दोनों को साथ में देखकर बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही सदा खुश रहो। पापा बहुत जल्दी हम आपसे घर पर मिलने आते हैं। जी बेटा, अपना ध्यान रखना। हाँ चलिए दीपक जी। हाय। राधिका, I'm really sorry। तुम्हारे पापा और दादी इतने दिनों बाद घर आए और हम अच्छी तरह से उनकी खातिरदारी भी नहीं कर पाए। कोई बात नहीं दर्शन जी, हमें तो बस इस बात की तसल्ली है कि उन्हें घर के हालात के बारे में जरा सा भी शक नहीं हुआ। और रही उनकी खातिरदारी की बात, तो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तो उन्हें बुलाकर अच्छे से उनकी खातिरदारी कर लीजिएगा। राधिका तुम पर मकड़ी है। आप मकड़ी पकड़ी देवेंद्र जी, हटाइए मकड़ी, जल्दी हटाइए, हमें बहुत डर लगता है मकड़ी से, जल्दी हटाइए देवेंद्र जी। मकड़ी गई। नहीं राधिका, बिल्कुल भी मत हिलना, मकड़ी अभी भी तुम पर ही है, तुम्हारे पीछे ही है। हाँ पता है राधिका, मैंने कभी सोचा नहीं था कि भगवान को मकड़ी बनाने के लिए थैंक यू बोलूंगा। हे भगवान, थैंक यू सो मच। दादी चले गए। राधिका, तुम्हारे घर वाले कभी सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे? जब देखो तब ऐसे मुंह उठा करके चले आते हैं, आज उनकी वजह से सारा भांडा फूट जाता। सॉरी माँ जी। माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये घर राधिका का भी तो है। और राधिका के मम्मी पापा और उसके परिवार से जो भी यहाँ आना चाहे, उसे यहाँ आने से पहले कभी भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें पूरा हक है यहाँ आने का। दिव्यम बिल्कुल ठीक कह रहे सुजाता, वैसे भी रंजीत राधिका का पिता ही नहीं, मेरे बचपन का दोस्त भी है। वो कभी कभी तो आता है राधिका से मिलने के लिए, रोज रोज तो आता नहीं। तुम राधिका को वैसे ही सुनाई जा रही हो। सही हो गए तो इनकी डांट भी शुरू हो गई है। वैसे बेटा आज तो जैसे तैसे बच गए, लेकिन आगे का कुछ सोचा है क्या करेंगे? इस भूत ने तो परेशान करके रखा हुआ है। अरे सरपंच भाई कटेरा गए, जल्दी आना, मने डर लग रहा से। आप बस 10 मिनट, इस भूत के चक्कर में तो हमारी भूख ही मर गई थी। ये नरपत जी तो सो रहे हैं, अब मैंने कैसे जगाए? इस चंगू को तो मैं उठाता हूं, रुको। जी क्या है?
ये कागज कहाँ से? ये तो वैसे ही कागज से जिससे हमने इनकी प्रॉपर्टी हड़पी थी। अंतरम संतरम दिगणम तंत्रम पापम सजाम मिलम ममंत्रम। ये लोग तुम्हारी नहीं हमारी सुनेंगे। खेल खेलने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब हम तुम्हारे साथ जिंदगी और मौत का खेल खेलेंगे। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? हम वही कर रहे हैं जो हमसे राधिका करवा रही है। राधिका कठे? राधिका मारा भाई कठे। सोफे के नीचे देखो। नीचे भूत आ गया। अब मैं क्या करूं? नीचे जाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। ये सब क्यों कर रहे हो? हम नहीं, ये राधिका चाहती है। वो रोज हमारे सपनों में आती है और रोज एक ही बात कहती है। कौन सी बात? वो तुम दोनों को छोड़ेगी नहीं। गोलू भैया,
रस्सी खींचिए। हम उनसे डरने वाले नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा। राधिका इनके जरिए हमें डरा रही थे ना, इनका ही कुछ करना पड़ेगा पहले। मिल गया आइडिया। तुम लोगों से डरने वाले ना से हमें राधिका के भूत को भगाने का तरीका मिल गया से। कैसा तरीका? वो राधिका का भूत यहाँ इसलिए आती है ताकि तुम सब अठे हो। तुम सब में राधिका की जान बसती है ना, तो अब तुम सब अठे नहीं रहोगे, सबको बाहर कर देंगे। तुम लोग ही सारे फसाद की जड़ो। तुम लोग गए तो वो भूतनी राधिका भी बाहर। राधिका तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। रानी, राधिका नहीं माफ करेगी। अमन जी कुछ तो कीजिए। ये सब क्या हो रहा है भैया? राधिका के भूत को भगाने का इलाज इन्हीं की वजह से अपनी उसने जान दी थी ना, और इन्हीं की वजह से वापस आई है, तो इन्हें ही बाहर निकाल दो। तुम गवार शायद से भूल गए कि राधिका मेरी पत्नी थी और सबसे ज्यादा मुझे चाहती थी, तो इस गणित के हिसाब से सबसे पहले इस घर से मुझे निकलना चाहिए।